डियर स्टूडेंट अब हम पहुंच गए हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में दैट इज डैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम फर्स्ट यूनिट में हमने अनडैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम देखा था इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें देखना है कि जो डैम्पर डैम्पर एक तरीके का रेजिस्टेंस है जैसा कि अभी आपने देखा था एक स्प्रिंग और मास सिस्टम को जैसे ही मैंने वाइब्रेट किया जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया इसके इक्विलिब्रियम से तो मैंने वाइब्रेशन देखे जिसको मैं फ्री वाइब्रेशन बोला नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी इस पर्टिकुलर यूनिट में मुझे देखना है कि अगर उस सिस्टम में दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम उस फ्री वाइब्रेशन के सिस्टम में अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उन वाइब्रेशन को मैं कैसे रिड्यूस करूं या कैसे खत्म करूं उसके लिए मुझे डैम्पर लगाना पड़ रहा है तो डैम्पर इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम देखेंगे कि कैसे हम वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या हम उस सिस्टम में क्या ऐसे भी कंडीशन आ सकती है कि पर्टिकुलरली हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो इनिशियली वी डिस्कस अबाउट दैट डैम्पर जिसके चार टाइप के डैम्पिंग हम प्रोवाइड करेंगे इस पूरी यूनिट में जैसे ही वो चार टाइप की डैम्पिंग होगी आपकी विस्कस डैम्पिंग कोई भी सिस्टम अगर फ्लूड में डैम्पिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्प ऑफ फ्लूड उसको मैं विस्कस डैम्पिंग बोल दूंगा उस विस्कस डैम्पिंग में मैं क्या करूंगा जैसे ही मैंने विस्कस डैम्पिंग लगाया फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बनूंगा ड्राइव करूंगा जस्ट लाइक फर्स्ट यूनिट उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करके बाद में मैं देखूंगा कि सिस्टम्स बनेंगे जो कि ओवर डैम क्रिटिकल डैम अंडर डैम टाइप के सिस्टम्स होंगे और यू जस्ट डोंट बिलीव दैट कि हम कुछ ऐसे सिस्टम्स भी देखेंगे जिसमें स्प्रिंग है मास है और डैम्पर है फिर भी वहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं होने वाला ठीक है कुछ ऐसे सिस्टम देखेंगे कि अगर ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम जो कि इनिशियली डिस्टर्ब हो गए तो वो एज सुन एज पॉसिबल इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएंगे और कुछ ऐसे सिस्टम देखेंगे जिसमें वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं वो धीरे 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 एक दो तीन चार और एन नंबर ऑफ साइकिल में वो वापस इक्विलिब्रियम में आएंगे फिर हम देखेंगे कि अगर कोई फ्लूड नहीं है दो सरफेस के बीच में तो हम कैसे डैम्पिंग देंगे हम देखेंगे कि मटेरियल के इंटरनल पार्ट में दैट इज स्लिप इंटरनल पार्ट दैट इज सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग इज कैसे डैम्पिंग होगी ठीक है तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ डैम्पिंग हम पढ़ेंगे हर एक डैम्पिंग के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे उसके जो डेरिवेशन की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी ड्राइव करेंगे और कुछ पैरामीटर्स हैं कि जो डैम्पर के इफेक्ट को बताएगा कि अगर वहां पर डैम्पर है तो क्या होगा डैम्पर नहीं है तो क्या होगा सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट सो वी आर गोइंग टू कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू